हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 10 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स बिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में, यानी कि ईपीसीए के बारे में। कंटेक्स्ट देखो ये है कि भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई गाइडेंस के अकॉर्डिंग इसे दोबारा बुडिस बॉडी को बनाया है, रिकंस्ट्रक्ट करने का आदेश है, ऑर्डर है, वो भी पारी किया था, तो उसी को लेकर न्यूज है वो आई है। तो हम ये देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी वो है क्या, किस तरीके से बेसिकली काम है वो करती है। देखो, इसमें अहम बात यह है कि ये जो ईपीसीए बॉडी है ये बेसिकली दिल्ली एनसीआर के लिए बनेगी इस बेसिस से, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर वाला जो एरिया है इसमें पोल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो दिल्ली एनसीआर के एरिया में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो एयर पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों को वो प्रोवाइड करवाने के लिए, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट है उसको भी इंश्योर करने के लिए बेसिकली इस बॉडी का निर्माण है वो किया गया था। मतलब इस बॉडी का काम क्या है कि एयर पोल्यूशन को कम करना है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन उसको कम करना है और एक अच्छी लाइफ है लोगों को वो प्रोवाइड करवानी है। तो इसके लिए एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और बेसिकली दिल्ली एनसीआर के एरियाज में। एक तरीके से दिल्ली एनसीआर के अंदर जो इन्वायरमेंट इश्यूज होते हैं उनके लिए अपेक्स कोर्ट का काम भी करती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो, अहम बात यह है कि सबसे पहले इस बॉडी को बनाया कब गया था और कौन से एक्ट वगैरह के तहत। देखो, ये जो बॉडी है ये बॉडी बेसिकली बनाई गई थी 1998 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था उसके बाद, क्योंकि है देखा जाए तो बेसिक मिनिस्ट्री की बात करें तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है जो हमारी उसके अंतर्गत बेसिकली है आती है। और जो एक्ट है जो इसके तहत इसको बनाया गया वो है एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक्ट 1986। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई एक स्टेचुरी बॉडी हो जाती है क्योंकि एक्ट के तहत बनाई गई है पार्लियामेंट की। कौन सा एक्ट है? एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक्ट है 1986, उसके तहत इसको बनाया गया है। अब रही बात यहाँ पे किसकी? मिनिस्ट्री की। तो मिनिस्ट्री में देखा कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है वो बेसिकली इसके लिए काम है वो करती है। अब देखो, हम इसकी थोड़ी कंपोजिशन की बात करें एनवायरनमेंट पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन अथॉरिटी के बारे में, तो बेसिकली इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 14 मेंबर होते हैं। तो चेयरपर्सन के साथ 14 मेंबर होते हैं, जो 14 मेंबर हैं उनमें से देखो एनवायरनमेंट सेक्रेटरी भी होते हैं नेशनल जो कैपिटल टेरिटरी है उस एरियाज के, और इसी के साथ ही दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके भी सेक्रेटरी होते हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसके सेक्रेटरी होते हैं, इसी के साथ ही आईआईटी और जेएनयू जो कॉलेज है टॉप की उनके प्रोफेसर भी कुछ इसमें इंक्लूड हैं वो होते हैं। तो मतलब हमें सारे मेंबर्स को रटने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका और काम क्या है। देखो, दिल्ली में जब पोल्यूशन का लेवल एक लिमिट के बाद बढ़ जाता है तो आपको पता है कि दिल्ली में अलग अलग प्लान्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो उन्हीं का नाम है बेसिकली ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। मतलब दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जीआरएपी प्रोग्राम्स हैं उनको इन्फोर्स करने का काम है वो भी ईपीसीए बॉडी के द्वारा ही किया जाता है। अब कौन कौन से प्रोग्राम है वो हम देखते हैं। देखो, जैसे कि दिल्ली में पोल्यूशन के जो लेवल है उनके अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है बेसिकली। जैसे कि हम बात करें तो 5 भागों में दिल्ली के एनवायरनमेंट को यहाँ पे डिवाइड है वो किया गया ग्रेड में। पहली ग्रेड यहाँ पे बात करें इमरजेंसी की। इमरजेंसी ग्रेड का मतलब ये है कि इसमें दो चीजों को काउंट किया जाता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है, PM 2.5 और PM 10। अब PM 2.5 की अगर एनवायरनमेंट में जो आप बोल सकते हो कि मात्रा है वो अगर 300 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है और PM 10 की जो मात्रा है वो 500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है पिछले 48 घंटों में, तो क्या होता है इमरजेंसी सी लगा दी जाती है वहाँ पे। मतलब ओडियन का फॉर्मूला लगा दिया जाता है, भारी ट्रक है उनको एंट्री नहीं करने दी जाती, इसी के साथ ही जो भी कंस्ट्रक्शन काम है उनको रोक दिया जाता है और स्कूल वगैरह को बंद कर दिया जाता है। अब हम बात करें सर्विस की। सर्विस के अंदर क्या होता है, अगर PM 2.5 और PM 10 की जो मात्रा है वो 250 ग्राम या फिर 450 के आसपास है तो उस कंडीशन में जो भट्टे वगैरह हैं या फिर जो भी आप बोल सकते हो कि पावर प्लांट्स वगैरह हो गए आसपास के ट्रांसपोर्ट वाले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह होगा इनको एक्चुअली थोड़ा इंगेज किया जाता है और भट्टे वगैरह को कम कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग है। वेरी पुअर में क्या होता है, इसमें डीजल इंजन वगैरह को भी बंद कर दिया जाता है, बस और मेट्रो को बढ़ा दिया जाता है, पार्किंग फीस वगैरह बढ़ा दी जाती है ताकि लोग पर्सनल व्हीकल को कम से कम यूज वगैरह करें। और मॉडरेट की बात करें, अगर मॉडरेट के अंदर क्या होता है, इसमें बेसिकली जो गार्बेज वगैरह होता है उसको जलाने के लिए रोक लगा दी जाती है, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से जो पटाखे वगैरह बैन कर दिए जाते हैं, तो इस तरीके के मेथड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो बेसिकली दिल्ली एनसीआर के एरिया में
पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी है ईपीसीए, उसके द्वारा अप्लाई है, वो किए जाते हैं, वो इन्फोर्स करती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है यूरोसिन ऑटर के बारे में। ऑटर होता क्या है सबसे पहले देखो, ऑटर को बेसिकली उद्विलाव के नाम से जानते हैं, कुछ इस तरीके का होता है, ये आप देख सकते हो, ये एक्चुअली एक स्तनधारी होता है, मेमल्स के रूप में जाना जाता है और ये बेसिकली फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो एक तरीके से फ्रेश वाटर है, उसमें एक इकोलॉजिकली इंडिकेटर के तौर पर भी है काम है वो करता है। अब देखो अब के बारे में न्यूज क्या है पहले वो देखते हैं। बेसिकली जो यूरोशियन ऑटर है ये इंडिया में नहीं पाया जाता है, मतलब साउथ एशिया में खैर पाया तो जाता है, इंडिया वाले एरिया में रेयर ही है होता है। तो अभी इसके कुछ एविडेंस वगैरह हैं वो वेस्टर्न घाट में पाए गए हैं, तो उसी को लेकर न्यूज वगैरह आई है। ये पाया कहाँ कहाँ जाता है पहले वो देख लेते हैं और फिर इसके कुछ जो फीचर्स वगैरह वो हम देख लेते हैं इसके बारे में। देखो यूरोशियन ऑटर है वो बेसिकली यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ जो एशिया वाला एरिया है इसके कुछ हिस्सों में पाया जाता है, और इसीलिए हम बात करें तो इंडिया के भी वेस्टर्न घाट में इसको देखे जाने की भी कुछ उम्मीद वगैरह देखी गई रिसर्च वगैरह ने इसका पता लगाया। अब देखो यूपीएससी यहाँ पे कैसे पूछ सकती है, यूपीएससी एक तो ऐसे यहाँ पे पूछ सकती है कि यूरोशियन ऑटर है वो बेसिकली नॉर्मली साउथ एशिया में इंडेमिक है, तो इंडेमिक तो देखो बिल्कुल नहीं है। इंडेमिक का मतलब तो क्या होता है कि पर्टिकुलर उसी एरिया में पाया जाता है, जैसे कि आपको पता है कि जो एशियाटिक लोयंस है वो इंडेमिक है, क्यों? क्योंकि वो एशियाटिक लोयन है वो केवल और केवल इंडिया के गुजरात के अंदर जो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसी में पाया जाता है, तो उसी तरीके से एंडेमिक तो यह नहीं होता है, तो यह यहाँ पे गलत हो जाता है। इसी के साथ ही है नॉर्थ अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, यूरोप में भी पाए जाते हैं, बट नॉर्मली इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, बट अभी इसके सबूत हैं वो देखने को मिले हैं। अब हम बात करें इसके प्रोटेक्शन को लेके कि कौन कौन सी लिस्ट में इसको रखा गया है। तो देखो जो IUCN की प्रोटेक्शन लिस्ट में उसमें इसको नियर थ्रेटेंड में रखा गया है, और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसमें भी इसको जगह है वो दी गई है। अब हम बात करें कि इसका आवास वगैरह वो क्यों खत्म होता जा रहा है, हैबिटेट वगैरह। देखो इसका आवास खत्म होने के एक अहम रीजन है पोल्यूशन, क्योंकि यह फ्रेश वाटर में पाया जाता है और आज के टाइम पे रिवर्स वगैरह पोल्यूटेड हो रही है तो यह गंदे पानी में नहीं पाता, तो इसलिए तो खत्म होता जा रहा है। इसके साथ ही आपको पता है कि फॉरेस्ट वगैरह में आज के टाइम पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो चलाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, और वेटलैंड्स वगैरह हैं उनकी संख्या भी लगातार कम हो रही है, और जो बायोमास है वो भी धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है, और आजकल इनका शिकार पोचिंग वगैरह भी इनकी हो रही है, इसलिए ये धीरे धीरे लुप्त होने की तरफ अग्रसर हो गए हैं। तो एक कुछ फीचर्स हमें इसके ध्यान रखने हैं कि बेसिकली ये एक तो मेमल्स है, मतलब स्तनधारी के रूप में इसको जाना जाता है, और पाया कहाँ कहाँ पे जाता है, यह पाया जाता है यूरोप और कुछ एशिया के साउथ एशिया के हिस्सों में और नॉर्थ अफ्रीका के कुछ एरियाज के अंदर। तो यह कुछ हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। बेसिकली इसे ओल्ड वर्ल्ड ऑटर के नाम से भी जाना जाता है, तो उद्विला होता है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप के बारे में। देखो कंटेक्स्ट यह है कि अभी गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप है SPG उसको गठित है वो किया है, क्यों इस ग्रुप की जरूरत है, क्यों इसे बनाया जाता है वो हम देख लेते हैं। देखो बेसिकली आपको पता है कि जो भी प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, अब ऐसा तो है नहीं कि उनको सारी चीजों का पता होता है, तो उनको सिक्योरिटी के बारे में एडवाइस देनी हो या फिर स्ट्रेटेजिक कोई भी इंटरेस्ट वगैरह हो उस चीज के बारे में एडवाइस देने का काम है वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप के द्वारा किया जाता है। तो यह गवर्नमेंट के द्वारा गठित है वो की जाती है, और इसका मेन काम यही होता है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसकी हेल्प से बेसिकली प्रधानमंत्री को एडवाइस देना, ताकि प्रधानमंत्री को नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बारे में बताया जा सके कि भाई ये सही वगैरह रहेगा। तो ये बेसिकली इसका काम है। अब हम बात करें इसके चेयरपर्सन की। देखो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि अभी रिसेंटली अजीत डोभाल थे वो इसके हेड होते हैं, आप बोल सकते हो कि चेयरपर्सन हो सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे। इसके साथ इसके मेंबर की बात करें तो देखो मेंबर काफी सारे होते हैं, इतने सब हमें याद रखने की जरूरत है वो नहीं है, जैसे कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन होते हैं, इसके साथ ही हम बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, इसके साथ ही चीफ ऑफ द डिफेंस होते हैं जो तीनों सर्विस होगी एयरफोर्स नेवी और आर्मी की, इसके साथ ही RBI के गवर्नर होते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी होते हैं, होम सेक्रेटरी भी होते हैं, और इसके साथ फाइनेंस सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी है वो सब मिलके इसके मेंबर हैं वो होते हैं। तो मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री को जो मेन डिसीजन वगैरह लेने होते हैं तो उनमें एडवाइस देने का काम है वो इनके द्वारा किया जाता है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप के द्वारा। तो अभी वो नई बॉडी है वो गठित की गई है दोबारा से,
तो उसको लेके न्यूज है वो आइए। तो हमें ध्यान में रखना है कि इसके हेड कौन होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर होते हैं अजीत डोभाल, वो बेसिकली भी रिसेंटली इसके हेड है हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है केनिन डिस्टेम्पर वायरस के बारे में। देखो तो केनिन या जो केनाइन डिस्टेम्पर वायरस है ये बेसिकली केट और जो डॉग की स्पीसीज है उनको इफेक्ट करता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अभी ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में जो एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे पिछले टाइम में काफी सारे लायंस की जाने वो चले गई थी, मतलब काफी सारे शेर हैं वो मारे जा चुके थे। ऐसा नहीं कि किसी ने उनका शिकार किया था, शिकार की बजाय उनको एक वायरस का तरीके से शिकार है वो होना पड़ा था जिसका नाम है केनाइन डिस्टेम्पर वायरस। तो अभी इसी के लिए न्यूज है वो आई है कि वहां गवर्नमेंट ने अभी केनाइन जो डिस्टेम्पर वायरस है इसके लिए वहां पे इंजेक्शन वगैरह या बोल सकते हो कि टीके वगैरह लगाना शुरू है वो किया है ताकि आगे ज्यादा शेर वगैरह की मौत है वहां पे ना हो सके। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि गिर जो एशियाटिक लायंस हैं जो कि पर्टिकुलर पाए जाते हैं गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो केवल उसी एरिया में होते हैं, मतलब इंडेमिक हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। लगभग देखा जाए तो आज के टाइम में इनकी टोटल पॉपुलेशन है वो है लगभग 700 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है वो अभी तक बची है। अब देखो जो केनाइन डिस्टेम्पर जो वायरस है ना ये बेसिकली करता क्या है कि जो नर्वस सिस्टम होता है और जो श्वसन सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से श्वास वगैरह में इश्यू होता है और फिर जो भी एनिमल है उसकी जान है वो चली जाती है, और इसका कोई भी सोल्यूशन है वो अभी तक नहीं है, मतलब इसी बीमारी का कोई भी इलाज है वो नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना कि गिर जो एशियाटिक लायंस है वो ओनली और ओनली गुजरात के गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पाए जाते हैं, इसके अलावा और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करें इसकी प्रोटेक्शन को लेके, किसको किस तरीके की प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाएगी। देखो इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसके तहत इसको शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है, मतलब इसको प्रोटेक्शन काफी ज्यादा है वो दी गई है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करें IUCN की लिस्ट की, तो IUCN की जो लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड लिस्ट में इसको रखा गया है। वो साइट्स के हैं जो भी एनिमल्स होते हैं वाइल्ड एनिमल इनके ट्रेड को रोकने के लिए, मतलब कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसके लिए बेसिकली बनेगी ताकि जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसके अंदर एनिमल्स वगैरह को प्रोटेक्ट हो किया जा सके। उसके अपेंडिक्स बॉक्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में एशियाटिक लायन को रखा गया है, मतलब प्रोटेक्शन अच्छी खासी है वो इसको प्रोवाइड है की गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बताइए चलो आप, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। तो आपको मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट बताऊंगा तो आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, और इसी के साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके अंदर का जो खरीफ की फसल होती है उसके लिए प्रीमियम रखा गया है 1.5% और रबी की फसल के लिए रखा गया है 2% और जो हॉर्टिकल्चर है उसके लिए रखा गया है 5%। पहला स्टेटमेंट यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ की फसल के लिए प्रीमियम रखा गया है 1.5%, रबी की फसल के लिए 2.0% और हॉर्टिकल्चर के लिए 5%। नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ये है कि जो भी किसान अगर इंस्टीट्यूशनल लोन लेगा उसके लिए अनिवार्य है कंपलसरी है कि उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हिस्सा है या पार्टिसिपेट है वो करना होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो भी किसान इंस्टीट्यूशनल लोन लेगा उसके लिए कंपलसरी है कि उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें ज्वाइन है वो करनी पड़ेगी, मतलब उसको अपनी फसल का इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा। तो आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। इसी के साथ ही न्यू ओराइजन मिशन को लेकर क्वेश्चन, आज न्यू ओराइजन मिशन है उसके बारे में पहला स्टेटमेंट आपको बताया जा रहा है कि यह नासा और इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो इसका एक जॉइंट प्रोग्राम है, पहला तो ये है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि न्यू ओराइजन मिशन है वो सन की आउटर लेयर को स्टडी करने के लिए बेसिकली लॉन्च है वो भी किया जाएगा रिसेंटली। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। अब थोड़ा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो आज हमने डिस्कस किया वो क्या इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो कि बेसिकली दिल्ली NCR के एरिया में पोल्यूशन को कव करने के लिए बनाई गई है। यह एक तरीके से इन्वायरमेंट इश्यूज के ऊपर वहां पे कंट्रोल करती है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम है वो करती है, एयर पोल्यूशन को भी कम करने के लिए हेल्प वो करती है, और इसके द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो चले जाते हैं। तो हमने देखे तो देखो जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो सारे के सारे हमें रटने नहीं है, बस थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए कि इमरजेंसी बनाई लगती है सर्विस भी होते हैं मॉडरेट पुअर और वेरी पुअर, तो सारी कंडीशन थोड़ी हमें ध्यान में यहाँ पे रखनी है कि अलग अलग ग्रेड्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसके साथ ही हमें यूरोशियन ऑटर के बारे में जाना
जो कि बेसिकली मुख्यतः यूरोप और इससे के साथ ही नॉर्थ अफ्रीका और बात करें तो साउथ एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो अभी वेस्टर्न घाट में इसके कुछ एविडेंस है वो पाए गए हैं। इसी के साथ ही हमने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप के बारे में जानना, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसका मेन मोटो यह है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी हेल्प से प्रधानमंत्री को नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है देश के, उसके बारे में एडवाइस देना। और इसके जो मेन हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेक्स्ट हमने जाना कि केनिन डिस्टेम्पर वायरस है, उसकी हेल्प से हमारे देश में एशियाटिक लोन्स उनकी काफी जानी गई है। तो एक तो यूपीएससी सीधा क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछ सकती है कि केनिन डिस्टेम्पर जो वायरस है उसने रिसेंटली फेक किया था किसको, तो ये ध्यान में रखना है कि भाई इसने एशियाटिक लोन्स को फेक किया था और उसकी वजह से उनकी काफी जाने चली गई थी। इसी के साथ ही हमने जाना कि जो एशियाटिक लोन है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है और IUCN की इंडेंजर लिस्ट में है और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।